नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के प्रदेश के चार बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उसको देखकर भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी और आरजेडी को लग रहा था कि अब नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या बीजेपी उनको साथ छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन अब जब अमित शाह का बयान आ गया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, अब दूसरी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के जो नेता मोर्चा खोले हुए थे अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्होंने चुप्पी साध ली है, उनकी घीघी बन गई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है बीजेपी पर और कहा है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास प्रदेश में एक चेहरा नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री बना सके। यानी तेजस्वी चाहते हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी बाहर कर दे और लड़ाई कोई जीते कोई हारे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को आउट करना लगता है उनके एजेंडे पर सबसे ऊपर है। और आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिन्होंने पटना को डुबा दिया, छोटे छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, बड़े अधिकारियों को बचा दिया, जल जमाव के बाद खुद इस्तीफा देना चाहिए थे वो किया नहीं, और अब राज्य में कानून व्यवस्था की हालत भी चौपट है, विकास के नाम पर लूट मची है, फिर भी वही नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व करेंगे बिहार में। ये कैसी बीजेपी है? बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों उसके पास कोई चेहरा नहीं है, अपना चेहरा नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। दरअसल अमित शाह का जो बयान आया है उसके कई मायने हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बीजेपी के नेता तो लगातार कई महीने से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व ने क्यों नहीं उनको रोका टोका, अब अमित शाह ने जो बयान दिया है उसका क्या मतलब है? तो राजनीति को समझिए। दरअसल बीजेपी के जो भी प्रदेश के बड़े नेता हैं, अगर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे तो कहीं ना कहीं से उनको केंद्रीय नेतृत्व से भी सह मिली हुई थी। मकसद केवल इतना था कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए। दरअसल बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को बराबर बराबर सीटें विधानसभा चुनाव में मिले, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं, 30 से 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बार बीजेपी चाहती थी कि कम से कम बराबर बराबर सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें जीती थी जब वो अकेले लड़े थे, और उसके बावजूद बीजेपी ने उनको बराबर बराबर सीटें दी। यानी 16 सीटों पर बीजेपी लड़ी तो 22 सांसदों वाली पार्टी भी 16 सीटों पर लड़ी, 5 सिटिंग सीट भी छोड़ दिया। तो जाहिर है कि बीजेपी ने लोकसभा में जो त्याग किया है, त्याग दिखाया है, उसकी कीमत वो चाहती है विधानसभा चुनाव में वसूलना, और इसी वजह से उसने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी थी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है, कड़वा सच है कि बीजेपी नीतीश कुमार की मजबूरी है और उतनी ही मजबूरी नीतीश कुमार बीजेपी की हैं। बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, और बिना बीजेपी के नीतीश कुमार की सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक वो महागठबंधन के साथ नहीं जाएं, और महागठबंधन के साथ जाने पर भी बहुत आसान नहीं होगा खेल। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर हैं, जिधर जाएंगे पलड़ा उधर भारी होगा, लेकिन उनके लिए तेजस्वी यादव के साथ भी जाना अब आसान काम नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो छोड़ चुके हैं, सरकार पलट चुके हैं, तो अब कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, और बीजेपी भी चाहती है कि गठबंधन बना रहे क्योंकि उसकी मजबूरी है। और आपको पहले ही सिटी पोस्ट बता चुका है कि जो भी बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान दिख रहा है उसका मकसद केवल नीतीश कुमार पर सीटों को लेकर दबाव बनाना है। बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में नहीं जाएगी और न ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के दो बड़े नेता शिवानंद तिवारी और दूसरे रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार नीतीश कुमार से महागठबंधन के नेतृत्व की मांग कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे, और दूसरी तरफ तेजस्वी नो एंट्री के बोर्ड लगातार दिखा रहे थे, तो ये तय है कि तेजस्वी हारे या जीते वो नीतीश कुमार को अपनाने को तैयार नहीं है। तो अब नीतीश कुमार के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और नीतीश कुमार भला क्यों चाहेंगे कि बीजेपी के साथ छोड़कर वो फिर आरजेडी के साथ जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अभी कोई स्कोप भी नहीं है।
बीजेपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है और अभी भी जिस तरह से उसका परचम विधानसभा के चुनाव में हर जगह लहरा रहा है, उसे छोड़ना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो बीजेपी भी नहीं चाहती है नीतीश कुमार को छोड़ना और नीतीश कुमार भी बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मानकर चलिए कि सिटी पोस्ट ने जो पहले कहा था कि ये NDA का जो गठबंधन है इंटैक्ट रहेगा, यानी इसमें नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बीजेपी के साथ बने रहेंगे, वही होने जा रहा है। केवल सीटों के बंटवारों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर थोड़ी खटपट जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बात बन जाएगी, क्योंकि बराबर बराबर सीटों पर भी अगर बीजेपी JDU लड़े तो ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो है नहीं, 100-100 सीटें हैं उनके पास लड़ने के लिए और 100 सीट जीत जाना भी कोई आसान काम नहीं है। 40-43 सीटें जो बचेंगी वो रामविलास पासवान के खाते में आ सकती हैं। और बीजेपी की कोशिश ये भी है कि जो भी बिहार के छोटे दल हैं जो महागठबंधन के साथ अभी हैं उनका भी विलय हो जाए। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो महागठबंधन के घटक दल हैं छोटे छोटे, उनको भी ऑफर दिया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, अपना दल खत्म करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आप सीट ले लीजिए। तो ज़्यादा संभावना है कि चुनाव के पहले कुछ गुल खिले और जो छोटे दल हैं अभी जो महागठबंधन में रहते हुए भी महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं विधानसभा के उपचुनाव में, वो शायद विलय कर जाएं या बीजेपी के साथ हो जाएं, तो बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन विधानसभा की लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश का चुनाव है। तो प्रदेश के चुनाव में तो जनता के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं, तो लड़ाई होगी। लोकसभा जैसा आसान नहीं होगा NDA के लिए भी, चुनौतियाँ उसकी बढ़ेंगी इस बार अगर महागठबंधन भी इंटैक्ट रहा तो। आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए तो वो भी लिखिए। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा विश्लेषण ही सही हो, हमारी समझ में जितनी बातें आती हैं उतना हम बताते हैं। आप हमें समझाएंगे, अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट है तो बताइए, समझाइए, हम उसे भी ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद केवल सच्चाई को सामने लाना है आपके लिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस, बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा, मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।